है कि बहुत सही स्क्रिप्ट मिली मुझे। कई बार मुझे मौका ऐसा आया था कि मैं हिंदी फिल्म में आऊं, पर मुझे ऐसा लगता था कि जो फिल्में मैं कर रहा हूं उससे अगर कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको अलग लेवल पे कुछ कर पाएँ तो ही जाना ठीक रहेगा। तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली तो मुझे लगा कि करना चाहिए, और रमेश भाई और हमारे इकबाल भाई दोनों लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम लोग इसको पूरी तरह से न्याय करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। एक्चुअली पता है आपको सारी बातें, कल से पता है। दरअसल दिनेश जी और आम्रपाली जी को तो खैर किसी परिचय का मोहताज नहीं है लोग। हिंदी सिनेमा में दिनेश जी कर रहे हैं पहली बार, शायद जी पहली बार कर रहे हैं, डेब्यूट कर रहे हैं, पूछना ज़रूरी है ना? हाँ हाँ, पहली बार, पहली बार कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिनेश जी के साथ में साथ काम करने का सपना था मेरा। मैं, मेरे फेवरेट कलाकार भी हैं ये, और मैं ये सिनेमा 2 साल से बनाना चाह रहा था। इनके पास स्क्रिप्ट लेके गया, कहानी सुनाई, इन्होंने सोचा करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी इंतज़ार भी करवाया दिनेश जी ने, फिर हाँ भी बोला, फिर हम लोगों ने मिल के फिल्म को शुरू किया, इस फिल्म को। और ये अच्छी शुरुआत हुई हम लोगों के लिए, और आगे हम लोग बहुत बेहतर सिनेमा बनाएंगे। इस सिनेमा का बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट VFX, बेस्ट एक्शन और बेस्ट अदाकार, इन सारी चीज़ों को सिनेमा हिंदी ऑडियंस देखेगी। नहीं है, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। इसमें हमारे विलेन का मोटिव अलग है, ये अलग कहानी है। इसमें जैसे हमारे सुशील सिंह जी एक्टर, वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। वो और दिनेश जी जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं स्क्रीन पे या होंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि हाँ, अब कुछ होने वाला है। जी जी, बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो फिल्में बनती हैं, अब आप देख लीजिए कि लव के ऊपर, प्यार के ऊपर साल में सैकड़ों फिल्में बन के आती हैं। तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं के समय की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो एक सिनेमा में हम लेके नहीं दिखा सकते। उसके लिए बहुत सारा सिनेमा बनेगा तो हम देख पाएंगे, बता पाएंगे। तो बाहुबली एक साम्राज्य की कहानी थी, एक राजा की कहानी थी। ये जो महाबली वीर योद्धा है, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जो हिंदुस्तान का ही वीर योद्धा है, भले वो काल्पनिक या जैसे काल्पनिक ही है, पर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी और एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा 2019 में आएगी। क्योंकि ये काफ़ी समय हमें शूट करने में लगेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि हमें 100 दिन चाहिए आपका। तो मैंने भी 3-4 महीने तक की जो फिल्मों का हमारा रहता है वो हमने रोक के इनको ही दिया हुआ है। तो काफ़ी समय उस शूट में लगेगा। उसके बाद चूँकि इस फिल्म में VFX का काम बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो मुझे लगता है 2019 में ही हम लेके आ पाएंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं कई भाषाओं में काम करूं, और ये इच्छा मेरी तब जगी थी जब मैंने डी रामा नायडू सर के साथ में काम किया था। उनकी फिल्म मैंने की थी शिवा, तो मुझे पता चला था कि डी रामा नायडू सर ने हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में फिल्म बनाई है। तो वहाँ से मुझे मन में आया कि मैं भी सारी भाषाओं में काम करूँगा। तो एक साथ मुझे 5 भाषाओं में काम करने को मिलेगा, ये सोचा नहीं था, पर मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत खुश हूँ, और ये सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज भोजपुरी जगत के लिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि भोजपुरी में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी, इतनी लैविश फिल्म बन रही है, और इसके भोजपुरी के अलावा ये 4 और अलग भाषाओं में बन रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली। तो नो डाउट बहुत खुशी की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बन रही है तो जाहिर सी बात है जब फिल्में बड़ी बनेंगी, अच्छी बनेंगी, तो जो है हमारा फिल्म का जो है, इंडस्ट्री का जो है, विस्तार होगा। जब विस्तार होगा तो सभी का भला होगा, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं।
मैं तो इंटायर टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज मैं बहुत फंबल कर रही हूँ, आगे अंदर भी मैंने इंटरव्यू किया फंबल किए जा रही हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म का मुहूर्त है तो हम सब इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक कह सकते हैं नई शुरुआत है इंडस्ट्री की। आज यहाँ महाबली का टीजर लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म बन रही है और टीजर काफ़ी मतलब लेबीज बना हुआ है। भोजपुरी में पहली बार इतनी बड़ी फिल्म बनी है, टीजर बना है और फिल्म बन रही है और काफ़ी अच्छा प्रयास है हमारे रमेश व्यास जी का और डायरेक्टर इकबाल बक्श जी का और दिनेश जी तो उसमें कमाल का काम किए हैं। बहुत बधाई हो सबसे पहले सबको। योद्धा महाबली फिल्म 5 भाषाओं में बन रही है, हम एक भाषा में नहीं बना पाते हैं प्रॉपरली और वो 5 भाषाओं में बना है, तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी यूनिट को, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, दिनेश जी को, आम्रपाली जी को और अदर जो भी स्टार कास्ट है, अमरीश, अयाज, सिकंदर जी, नागेश जी, जो जो नाम याद आते जा रहे हैं, सोम, सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई हो। डायरेक्टर इकबाल बक्श जी को बहुत बहुत बधाई हो। फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रमेश व्यास जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह का उन्होंने कदम उठाया है और आई एम श्योर कि वो अपने इस स्टेप में कारगर होंगे। ये फिल्म ऑफकोर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी और मुझे लगता है कि हमारे पूरी जो जनता है जो